मेरे भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मेरे भाई आपने 1000 रुपया जियो एयर फाइबर की बुकिंग करके दिया हुआ है, बट आपका जो ऑर्डर है ऑन होल्ड पे रुका हुआ है, आपके कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए आ नहीं रहा है, आपको कोई इंजीनियर की कॉल नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे भाई मेरे हाथ में जियो एयर फाइबर आ चुका है, ठीक है, मतलब कि इसकी इंस्टॉलेशन अब नहीं हुई है, मतलब कि एक्टिवेशन हो चुकी है, एक्टिवेशन वाले बंदे और आए थे मेरे से, है ना, और जो इंस्टॉलेशन वाले हैं बंदे और आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 1000 रुपये फंस चुके हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बता दूंगा, आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ओरिजिनल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जैसे कि आपने मेरे को, कई भाइयों ने मेरे को बोला है कि मेरा ऑर्डर क्या है ऑन होल्ड पे है, मेरे को कोई कॉल नहीं आ रही है इंजीनियर की, ठीक है, तो मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है, क्या मेरे 1000 रुपए बर्बाद चले गए हैं, है ना। तो इसका सारा सलूशन मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने भी, जैसे आपको दिक्कत आ रही मेरे को भी दिक्कत आई, ठीक है, मेरा भी, मैंने भी बुकिंग करके रखी हुई थी 1000 रुपए की, और 1000 रुपया मेरा मतलब फंस गया था एक किस्म का, और ऑन होल्ड पे दिखा रहा था, तो कोई भी इंजीनियर की कॉल नहीं मेरे को आ रही थी। तो क्या हुआ कि मैं अपने लोकल जियो स्टोर पे गया, तो उन भाई साहब ने मेरे को बोला कि आपने, मतलब कि इनकी वेबसाइट पे जाके, माई जियो एप्लीकेशन में जाके डायरेक्ट बुकिंग की है, इसकी वजह से आपको कोई कॉल नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो बोल रहे थे इनका, मतलब कि HCL कोई इनका जो कोई है डिपार्टमेंट, उसकी तरफ आपकी रिक्वेस्ट चली गई है। तो अगर मतलब वो बोल रहे हैं कि जब शहरी इलाकों में, मैं विलेज में रहता हूँ, जब शहरी इलाकों में इसकी डिमांड कम होगी, जब शहरी इलाकों में जियो फाइबर मतलब लमसम लग जाएगा, ठीक है, जितनी रिक्वेस्ट उनके पास आई है, उसके बाद आपकी विलेज में बारी आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं कि मंथ भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उन मेरे उस जियो स्टोर वाले बंदे ने मेरे को क्या बताया, उसने बताया कि अगर आप मेरे लिंक से बुक करोगे जियो फाइबर, 1000 रुपये दोबारा पे करोगे, तब मैं आपका कनेक्शन लगा दूंगा। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई कि मैंने पहले पे करके रखा हुआ है, ठीक है, आप क्यों नहीं इसी 1000 रुपए के ऊपर, इसी बुकिंग के ऊपर मेरा जियो फाइबर लगा दो। वो बोल रहा है कि मैं कोशिश करूंगा, उसने, हो सकता है, क्योंकि इनका, भाई देखो, ये कस्टमर की मजबूरी नहीं समझते हैं कि कस्टमर का 1000 रुपया लॉस जा रहा है, बट ये अपने आप को, इनको कमीशन वगैरह होगा, या फिर इनको टारगेट वगैरह दिया जाता होगा कि अगर आप जितने ज़्यादा कनेक्शन लगाओगे आपको उतना ही मतलब कि प्रॉफिट होगा, या फिर उससे कुछ ना कुछ कमीशन मिलता होगा। तो उसने साफ बोल दिया कि आपने जो पहले बुकिंग करके रखी है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप मेरे लिंक से बुक करोगे तब मैं आपका एयर फाइबर लगा दूंगा। तो मेरी मजबूरी थी तो मेरे को लगवाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई भेज दो, मैं अपना जो पुराना है, जो कनेक्शन है, जो बुक किया था मैंने, ठीक है, जो ऑन होल्ड पे है, उसको मैं कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करके कैंसिल करवाने की कोशिश कर लूंगा, अगर तो मतलब कि मेरे को रिफंड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कस्टमर केयर से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसने, जियो स्टोर वाले बंदे ने मेरे को लिंक भेजा, और उस लिंक से मैंने दोबारा 1000 रुपए पे करके बुक करिया, और वो बुक मैंने कैसे कराया कि मैंने अपने नए नंबर से, नए जियो के नंबर से बुकिंग डाली, पुराने नंबर से नहीं डालनी, उसने बोला, ठीक है, नए नंबर से बुकिंग डाली। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद तुरंत ही मैंने जैसे कि शाम को बुकिंग डाली 1000 रुपया पे करके, उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी पेमेंट का, वो LR नंबर होता है, ऑर्डर ID नंबर होता है, उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है। उसने मेरे को अब दिन में ही मतलब 12-1 बजे मेरे पास बंदे आ गए, ठीक है, जियो की तरफ से, जो कि एक्टिवेशन करने आ गए इतनी जल्दी। बट जो पहले मेरा, मैंने 16 तारीख से मेरे भाई बुक करके रखा हुआ है, आज 29 तारीख हो चुकी है, कोई भी मेरे को कॉल नहीं आ रही थी, बट ये पता नहीं कैसे एकदम से, मतलब जैसे उसके लिंक से मैंने ऑर्डर बुक किया तो तुरंत ही बंदे अगले दिन आ भी गए मेरे जियो फाइबर का एक्टिवेशन करने, बट इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कि है तो ये भी कंपनी का ही है, कहने का मतलब पहले भी मैंने कंपनी
से ही बुकिंग की है, मतलब कंपनी का ही है, वो भी वो कंपनी से बाहर थोड़ी है, तो जो उसने लिंक भेजा है वो भी कंपनी का ही है, तो माजरा क्या है? माजरा भाई सबसे बड़ा यही है कि प्रॉफिट का माजरा, पैसे का माजरा है, ठीक है, कस्टमर को परेशान करने का माजरा है, ठीक है, बस मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाए, ठीक है, सो उनको कोई परवाह नहीं आपका, अगर 1000 रुपये लॉस भी जाएगा। तो ऐसे करके मैं, मतलब कि मेरे घर में जियो एयर फाइबर वाले बंदे पहुंचे, जाके जियो स्टोर वाले बंदे से, मतलब कि मैंने जब रापता किया, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, कभी भी आप माई जियो एप्लीकेशन में, कभी भी आप डायरेक्ट माई जियो वेबसाइट के ऊपर जाके कभी भी जियो एयर फाइबर बुक ना करें। कोई यूट्यूबर बंदा बताता है मेरे लिंक से बुक कर लो, कभी भी लिंक से भाई कभी भी बुक ना करना आपका, कभी भी अगर विलेज एरिया में रहते हो कभी भी आपका इंस्टॉल नहीं होगा, देरी बहुत होगी, हो भी सकता है, बट लोकल स्टोर में जाओ माई जियो में, उनके लिंक से करोगे तो जैसे मैंने एक दिन बाद ही मेरे यहाँ पे लगाने आ गए तो आपके यहाँ पे भी होगा, ठीक है। बट मैंने उनको बताया कि भाई मेरा 1000 रुपये पहले फंसा हुआ है, पहले मैं नंबर से बुकिंग की है, ऑन होल्ड पे दिखा रहा, उसका मेरे को 1000 रुपये कैसे मिलेगा? मैंने कहा, मैंने कस्टमर के से पूछा, वो बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, वो बोल रहे हैं कि हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, बहुत गंदा प्रोसेस है ऑनलाइन वाला। तो आपका 1000 रुपये का हल हम करवा देंगे, कैसे करवा देंगे? उसने बोला, अगर आपके विलेज में कोई बंदा नया एयर फाइबर को बुक करता है तो उसमें आपका जो कूपन होता है हम यूज कर लेंगे उस बंदे से, है ना, उस बंदे के जो भी लगवाएगा उस बंदे के कनेक्शन से हम आपका 1000 रुपया कूपन मतलब माइनस कर देंगे, फिर आप वैसे कैश उनसे ले लेना, मतलब कि ऑनलाइन सिस्टम में वो, मतलब कि मेरा कूपन उस बंदे के एयर फाइबर में यूज कर लेंगे और मेरे को 1000 रुपया वो बंदा पे करेगा। और ये सारा कुछ वो बंदे ने, मेरे को जो आए थे इंजीनियर, उन्होंने मेरे को बोला कि हम करवा के देंगे आपको 1000 रुपया ऐसे वापस मिल जाएगा जो आपने पहले बुकिंग डाली थी ऑन होल्ड पे था, अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो। ये तो होगी, मतलब कि 1000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने मेरे को एक और बात भी बताई कि वो बोलते हो कि अगर आप किसी को रेफर करते हो, है ना, जियो एयर फाइबर मतलब रेफर करते हो, मान लो आपने किसी बंदे को बोला कि मैं जियो एयर फाइबर लगाया है, बढ़िया है, आप लगवाना चाहते हो, ठीक है, तो अगर वो आपके रेफर किए से जियो एयर फाइबर लगवाता है तो आपको 1000 रुपया और मिलेगा, ये है कमीशन भाई। इसी वजह से भाई वो बंदा मेरे को बोल रहा था जियो स्टोर वाला कि मेरे लिंक से आप अगर बुक करोगे तभी मैं आपका जियो फाइबर लगाऊंगा, हालांकि जो मैंने पहले बुकिंग करके रखी थी उस पर भी लग जाना था, ये नहीं उस पर लग नहीं जाना था, उस पर भी लग जाना था, बट चक्कर कमीशन का है भाई, चक्कर ये है कि कस्टमर को परेशान करना। अगर मेरा कोई भाई ये कोई सीनियर जियो से, जियो डिपार्टमेंट से देख रहा है तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करें, कस्टमर बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, 16 तारीख से बुकिंग करके रखा था, 29 तारीख हो चुकी है, कोई कॉल नहीं आया था, हार के जियो स्टोर पे जाना पड़ा तभी मेरा हल हो पाया, बट ऐसा मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो, इसलिए आपको मैंने जो बताया है आप उसको फॉलो करें, किसी यूट्यूबर की, किसी बंदे की बात के ऊपर विश्वास ना करें। बट अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सहन।